सर आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया था और इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आज जायसवाल युवा मंच के जिला पदाधिकारियों का यहाँ पे शपथ समारोह था। जायसवाल युवा मंच के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में जायसवाल समाज को जोड़ने का काम किया जा रहा है। जायसवाल समाज के नौजवानों के माध्यम से समाज की जो राजनीतिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। सर, जो तलवार भेंट किया गया है उसका क्या राज है? तलवार का अर्थ ये है, देखिए हमारे सहस्त्रबाहु भगवान जो आराध्य देवता हैं, उनके हर भुजाओं में तलवार है। उन तलवार के माध्यम से वो समाज की कुरीतियों को दूर करते हुए समाज को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज समाज के बीच वो तलवार ले आया गया कि उस तलवार के माध्यम से जो हमारे नौजवान साथी उनके बीच भी उत्साह ऊर्जा जगे और समाज की कुरीतियों को दूर करते हुए समाज को मजबूत करने का कार्य करे। सर, देखा जाए तो गाजीपुर जिला ODF घोषित हो चुका है और बहुत से ऐसे शिकायतें आ रही हैं कि बहुत लोगों का शौचालय नहीं बना हुआ है, कुछ ऐसे भी घर हैं जिनका आवास नहीं बना हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश दोनों विकास के पथ पे है। कहीं कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कहीं कुछ काम अधूरे पड़ जाए हैं, वो अलग विषय है, लेकिन 4.5 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो काम थोड़े बहुत लापरवाही अधिकारियों की लापरवाही से कम हुए हैं, नहीं हो पाए, वो आने वाली सरकार में बहुत जल्दी ही पूरे हो जाएंगे, इसमें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा किसी। सर, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सड़कें काफी खराब है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए सड़कें नहीं खराब है, सड़कें बन रही हैं। आप देखेंगे पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, एक्सप्रेसवे से लेकर तमाम जगह आप सड़क से निकलिए घर से बाहर, हर घर योगी सरकार की पहली सरकार है लगभग 20 वर्षों में, इसने हर 2 लेन की सड़क को 4 लेन, 4 लेन की सड़क 6 लेन और 6 लेन की सड़क 8 लेन करने का काम किया है। जो भी कार्य दिख रहा है वो सिर्फ निर्माण कार्य के अंतर्गत है, इसलिए वो ऐसा लग रहा है कि वो सड़क नहीं बन रहा है, वो निर्माणाधीन है और जल्दी वो पूरा होगा, 6 महीने के अंदर पूरा होगा। सर, आपका जो संगठन है केवल जायसवाल समाज के लिए ही कार्य करता है कि दूसरे समाज के लिए भी करता है? नहीं, देखिए इलाहाबाद से आज हमारा संगठन पूरे प्रदेश में चल रहा है, मगर जिन जिन सीटों पे मैं भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, जिन सीटों पे समाज ने अन्य समाज के लोगों को BJP ने टिकट दिया, सपा ने टिकट, समाज ने, उन सीटों पर वोट देने का काम किया। ऐसा नहीं जिन सीटों पर हमारे समाज के प्रत्याशी नहीं है, हमारी राजनीतिक चेतना इसलिए है कि कहीं ना कहीं समाज की जो आबादी है, जिस तरह की सक्रियता है भारतीय जनता पार्टी की, विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ी हमको जगह कम दिया गया है, जगह दिया गया है, इस बात से इनकार नहीं करते, मगर आबादी के हिसाब से एक जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। हम लोग ये चाहते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में और भी ज़्यादा हमारे समाज को महत्व दिया जाए, उनको काम दिया जाए, संगठन चल के सरकार तो उनको। एक बिटिया को न्याय पाने के लिए गाजीपुर सरजू पार्क में बोधा जायसवाल व मृतिका आशा जायसवाल के भाई बबलू जायसवाल के द्वारा काफी दिनों से धरना चल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए उस विषय पे हमारे यहाँ के पुलिस कप्तान से भी बात हुई थी, संबंधित अधिकारियों से भी बात हुई थी। उस घटना में एक आरोपी गिरफ्तार है। आप पत्रकार है, आपको ये मालूम होगा एक आरोपी गिरफ्तार है। अब एक पक्ष कहना है कि 3 आरोपी एक और गिरफ्तार किया जाए, चूंकि ये देखिए कानून का विषय है, कानून इस पर काम कर रही है। हम लोगों ने अधिकारियों को बोला है, ऊपर से भी कई नेताओं का, कई विभाग के सचिवालय से भी फोन यहाँ आया कि निष्पक्ष जाँच हो, जो भी दोषी है उसको फांसी की सजा। सर, जो आप आवास की बात कर रहे हैं, ये केवल जायसवाल समाज के लिए है कि और भी समाज के लिए है? मैं देखिए सबकी बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबकी बात, जिनको भी नहीं मिला, अगर मैं नेता हूँ तो कोई किसी के जात पूछ की मदद नहीं करता, दिन भर तमाम फोन मेरे पास आते हैं, इस तेजी है, चूंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जुड़ा हुआ, तमाम लोगों की आशा उम्मीद रहती है, तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जिन प्रधानों की लापरवाही से, जिन क्षेत्रीय वहाँ अधिकारी है, ग्राम पंचायत अधिकारी की लापरवाही से किसी को मकान नहीं मिला है, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। मोदी जी योगी जी, 2 लाखों आवास इस उत्तर प्रदेश बढ़ चुका है, मगर कहीं ना कहीं कुछ प्रधानों की लापरवाही या संबंधित अधिकारी लापरवाही से 2-4 गिने चुने लोगों को नहीं मिल पाया है, उनको भी दिलाने का काम जारी है। जमन सर, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर देखा जाए तो एक देश की बिटिया को न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है और इस तरह का अनशन करना पड़ रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए आप अगर उस मामले को गहराई से देखेंगे तो एक आरोपी जेल गया है, ये आरोप आप तब लगा सकते हैं जब कोई आरोपी जेल नहीं गया होता। उस मामले में एक आरोपी जेल जाना यह तय करता है कि कानून अपना काम सही ढंग से कर रहा है, बस उसमें चूंकि डिमांड रहती है कि भी एक पक्ष का कि सब चले जाएं, कानून एक नियमानुसार ही काम करेगा, उस पर कार्य जारी है, अगर और भी संलिप्तता पाई जाती है उस परिवार के तो वो और भी आगे जेल जाएंगे।
सर आगे आपकी टीम क्या करेगी? आगे हम लोग 2022 में, मैं चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूँ, समाज को हमेशा मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, क्योंकि हमारा कोई संगठन है, कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, बिना राजनीतिक दल के सहारे हम किसी की कल्पना नहीं कर सकते, किसी को कोई मदद दिलाना हो तो सत्ता के संरक्षण से ही दिला पाएंगे। तो हमारा आगे प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे, हम मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज का विकास करेंगे। सर 2022 में भाजपा सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, भाजपा सरकार का पहली चीज बता दो, आना तय है, स्पष्ट दिख रहा है, जिस तरीके के जनमानस, एक एक जाति, आज तमाम विपक्ष के नेता, विपक्ष की पार्टी आप देखेंगे जाति सम्मेलन करा रही है सिर्फ जातियों का वोट लेने के लिए। असल में यह है कि एक भी जाति उनके पास है नहीं, सारे लोग मोदी योगी के विश्वास पे। आज आप देखेंगे उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है, इतने बड़े गुंडे चाहे जिस जिले का आप उठा के देख लीजिए, जितना बड़ा वो गुंडा है उतनी तेजी से जेल गया है। इस सब को देखते हुए आने वाले सरकार जो काम अधूरे रहे योगी सरकार में, आने वाले समय में वो और तीव्र गति से पूरे होंगे। अब उत्तर प्रदेश पूरे देश में बहुत ही विकसित राज्य बनेगा जो है। थैंक यू सर, धन्यवाद।